अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जो चुनाव में सियासी मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एमपी में सरकार गिरने का दर्द दिखा। एक साथ 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने और कमलनाथ की सरकार गिरने के दर्द से राहुल गांधी आज भी नहीं उभर पाए हैं। अमेठी की रैली में राहुल गांधी ने एमपी में सरकार गिरने का दर्द जाहिर कर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि एमपी अरुणाचल प्रदेश और गोवा में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 10-20 करोड़ रुपए देकर चोरी कर ली गई। वहीं राहुल गांधी इस बार पीएम मोदी के 70 साल वाले बयान का भी जवाब दिया। दरअसल पीएम मोदी अपने भाषण में ये जिक्र करते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहना चाहते थे 70 साल में अंबानी अडानी के लिए कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार में हुए कामों को गिनाते हुए राहुल गांधी ने पूछा, नेशनल हाईवे, फुर्सतगंज एयरपोर्ट, ये सब कांग्रेस की देन है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि यूपी चुनाव आते ही पीएम मोदी 50 से ज्यादा बैठक हेलीकॉप्टर से कर चुके हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी यूपी आकर युवाओं से ये क्यों नहीं कहते, आपको रोजगार देने जा रहा हूं। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बीएचएल बेच रहे हैं, एचएएल बेच रहे हैं और तेल की कंपनियां भी बेच रहे हैं। एयर इंडिया को पीएम मोदी ने पहले ही बेच दिया है। कृषि कानून और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री आकर वोट लेने के लिए कुछ भी बोल जाएंगे। बता दें कि अमेठी में 5वें चरण में चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी युद्ध उफान पर है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा था, लेकिन राहुल गांधी ने आज हिसाब बराबर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।